और दारू पीने वाले कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, बड़ी शांति से दारू पी रहे हैं। हेलो गाइस, और ये हमारे भैया लोग, आप देख सकते हो सब लोग भाई लोगों, हाय आज है ये और सब गाइस कैसा लोग आज का बजाऊंगे मैं एकदम मस्त। तो आज का ब्लॉग सुबह 7:30 बजे शूट हो रहा है और धूप आ चुकी है एकदम मस्त। और आज मेरा ब्लॉग घर से शूट नहीं हो रहा है, आज कल रात में चले गया था चौनियार गाँव मेहंदी में, तो कल रात रह गया था दोस्त के घर, तो अभी दोस्त के घर से तो नहीं जा रहा मैं घर की। और तो देख तो आज पूरी धूप आ चुकी, मतलब बहुत जल्दी आ चुकी है आज धूप खेतों में, अभी तुम्हारे घर पर नहीं आई होगी वरना गाँव में आ चुकी है धूप। तो यहाँ देखो अब पाला पड़ रखा है सड़कों में, सड़कों में क्यों रास्ते में पाला पड़ रखा है, मैं सड़क बोल रही हूँ, मतलब रास्ते में पाला पड़ रखा है, नीचे वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलते हैं इस कारण पूरी जगह पाला पड़ रखा है। तो फिलहाल चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुका था मेरे घर पे और मेरी तैयारी अभी गांव में, मैंने नाश्ता भी कर लिया, मुंह हाथ धुल दिए, आप देख सकते हो धूप भी आ चुकी है और गांव में भी आ चुकी है पूरी धूप। तो चलते हैं अभी गांव में, थोड़ा मुझे सामान देना है। तो अभी पहुंच चुका था मैं घर पे और अभी फिर से तैयारी किया क्योंकि कल रात वहाँ नीता लिखाना था, पर जो नित्य वाले अंकल थे वो वहाँ से मतलब उन्होंने बंद कर दिया था लिखाना, तो उन्होंने बोले कि कल सुबह आना, तो अभी जा रहा हूँ मैं नित्य लिखाने। और अभी काफ़ी धूप आ चुकी है पूरे गांव में, आप देख तो ऊपर पूरी भी आ चुकी है, ऊपर भी सारी जगह। तो पहले चलते हैं नेता लिखाने, और दोस्त जा रहे हैं मेरे, तो आगे से मेरे को दोस्त मिलेंगे ऊपर से गांव से, तो फिर चलेंगे। तो दोस्त जहाँ लगे मैं अभी शादी में ऊपर, वहाँ मैंने नेता लिखाना है और मेरे साथ दो दोस्त हैं मेरे, वो शादी में जा रहे हैं। जानते होंगे कि मैं कौन हूं, क्यों मैं हूं आपका प्यारा हैप्पी। तो इन्होंने कल भी मेरा नाम है सुरज यादव, हां ये है मेरे दोस्त लोग हैं। तो हैप्पी ने कल ब्लॉग बनाया होगा, आपने देखा भी होगा, तो पहले चलते हैं फिलहाल शादी में। तो दोस्तों जा रहे हैं चौनियार गांव और इस सड़क की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, आप देख सकते हो मतलब पूरे यहाँ गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं और अभी नई बनी थी है, और हम जा रहे हैं ट्रक में जल्दी समझो आपसे, और आप देख सकते हो आगे तो बहुत ज्यादा रोड खराब है। अभी हमने वहाँ जाना, ऊपर जाना है, वहाँ भी जहाँ दो गाड़ी खड़े उधर जाना है, और इस रोड की हालत मतलब इतनी खराब है, जो नेता लोग हैं वो कुछ नहीं करते। तो दोस्तों ये हमारे दूल्हे वाले हुए, देखो दिन की शादी है। हेलो गाइस, देख सकते हो आप कैसे लग रहे हो, और यहाँ पे इतनी ये कार कुर वगैरह हैं, और ये हमारे दोस्त देख सकते हो आप, ये भी चौनियार गांव के हैं, और ये हमारे भैया लोग, आप देख सकते हो सब लोग भाई लोगों, हाय आज है शादी हमारे गांव में, शादी हमारे गांव में आज, ठीक है। तो देखो आप सब लोग जा रहे हैं, तो चलते हैं आगे पे। तो दोस्तों पहुंचने वाले हम जहाँ पे शादी जा रही है, यहाँ से खतरनाक व्यू दिख रहे हैं और बहुत टॉप की जगह पहुंच गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ दिख रही है, मतलब बहुत खतरनाक नजारा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा, आप देख सकते हो कैसे यहाँ से नजारा दिख रहा है, और ये देख सकते हो आप, ये और ऊपर आप बर्फ पे देख सकते हो, मतलब बर्फ पड़ रखी है पहाड़ों पे, यहाँ से अलग ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है ठंडी ठंडी हवा खाने में, एकदम सुकून मिल रहा है। तो चलते हैं आगे ऊपर, तो पहुँच गए मतलब उतरेणी में, और यहाँ से अब आगे तो बस तो जाती नहीं है, मतलब बस स्कूटी वगैरह जाती थोड़ा आगे तक, वरना कुछ नहीं जाते, और ऊपर बर्फ पड़ रखी है सामने पे, तो यहाँ जाएंगे आगे, चलते हैं फिलहाल अभी आगे, और पीछे बस वाले रुक रखे हैं, यहाँ से पता भी बहुत ऊपर जाना है। तो दोस्तों शादी में हम पहुंच चुके हैं, ऊपर गाने बज रहे हैं, और अभी हम ही दोनों आए थे, मैं और सूरज आए थे यहाँ ऊपर पे, तो अभी और लोग आ रहे हैं आप देख रहे हो सामने से, तो अभी आ ही रहे हैं और यहाँ गाने बजा रखे हैं, तो मैं नीचे से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाने में भी हमें शर्म लग रही है, जा नहीं पा रहे मतलब, तो उनके लिए रुक रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर सही लगता कि दो जाएँ और हाँ फिर पीछे से बाहर आएँ, तो उनके लिए आने देते हैं। और यहाँ से कुछ नज़ारा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते ऐसा नज़ारा दिखते हैं यहाँ से, चारों ओर का एकदम हरे भरे और पहाड़ हैं, और इस
इसके पीछे बर्फीला बर्फ पड़ी हुई एक पहाड़ के ऊपर, तो अगर हम आगे जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। आधी रात को आएगी तो हम चल जा रहे हैं, चलते हैं अभी घर की ओर। वही है कुछ लोग जान लगे आप देख सकते हो सामने, क्योंकि काम होगा वहाँ घर पे तो काम करना है भी, तो शादी तो शाम को आएगी, फिलहाल चलते हैं वहाँ। तो दोस्तों यहाँ पर गाड़ी चली गई नाली के अंदर, भाई साहब जय भाई जी। तो दोस्तों अभी सीख रहे हैं यहाँ पे एकदम मस्त के साथ, देखिए तो कितनी ज्यादा जल रही है। तो ये है पूरा पीटा बोलते इस नाम और दिवाली में होता आग मस्त। देखो भाई लोगों कैसे आग जले रहा है, सब ने डालता कहीं ये लगे लगे लेना होगा ये सुगंध था जगली गढ़वाली में आग सेकने के लिए धुआं लग रहा है यहाँ पे। हम चोरा गाँव में आए थे, बहुत गजब की धुआं बहुत ज्यादा लग रहा है, धुआं लग रहा। जय सच्चे दरबार की जय, गुरु चौरंगनाथ की जय। आज ब्लॉगर भाई योर नेम सर राजवीर जी, राजवीर सिंह जी के साथ आज चुनियाट गांव में शादी के समारोह में सभी यार दोस्तों के साथ आज बहुत मनोजर मनोरंजन के साथ नाच गान के साथ बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए ये अभी देख लगे हुए थे, ये अभी समाप्ति की ओर है, सभी लोगों ने लंगर खा लिया है, ये बड़े बड़े तिले ये सारा भंडारा लगा हुआ था यहाँ पर, सब्जी दाल रोटी सब्जी रायता वगैरह वगैरह कड़ी का साग कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पर खाने को बनी हुई थी। और ये सारे लोग अभी आग सेक रहे हैं, सर्दियों का समय चल रहा है, तमाम साथी यहाँ पे बैठे तमाम हैं। साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं पूरे मनोरंजन के साथ, दारू नहीं पीती है। और वैसे आजकल हमने यहाँ पर दारू बंद करवा दी है, नशा मुक्ति की ओर देश जा रहा है, और गांव ये गांव तो बिल्कुल ही नशा मुक्ति की ओर जा रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है, सर्दियों में आए उत्तराखंड में और मनोरंजन करें आनंद करें। जय जय भारत माता की, जय उत्तराखंड की, जय चौरनाथ की।